इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में कोरोना की स्थिति अब काबू में आती दिख रही है। संक्रमण दर भी काफी कम हो गई है और मरने वालों की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन को क्या खोल दिया जाएगा, क्या एक बार फिर से लोगों पर लगाई गई पाबंदियों को हटा दिया जाएगा। इस सवाल का जवाब आज मिल सकता है। आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ सेक्रेटरी समेत सभी सचिव स्तर के बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। पिछले कई दिनों से दिल्ली में लगातार मामले कम आ रहे हैं और रिकवरी रेट भी सुधरता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के 1072 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, वहीं 117 लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन अप्रैल की तुलना में अब हालात काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं और अस्पतालों पर भी दबाव कम होता जा रहा है। जहां पहले एक एक बेड के लिए मारामारी थी, अब अस्पताल में बेड भी खाली है। उधर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वालों के कोरोना मरीजों के परिजनों को राहत देने के लिए केजरीवाल सरकार ने 5 लाख रुपए तक के मुआवजे का ऐलान किया है। संवाददाता भास्कर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। भास्कर, जिन्होंने अपनों को खो दिया, शायद उनके लिए ये मुआवजा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग जिन्होंने अपना आश्रय खो दिया है, घर का कमाने वाला व्यक्ति चला गया है, शायद उसके लिए ये एक राहत होगी। देखिए, 20-25 अप्रैल के बाद जब स्थिति यहाँ पे राजधानी दिल्ली में खराब हुई थी, हालत ये थी कि लोगों के पास एक बेड के लिए ना जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती थी लोगों को, और उसके बावजूद भी वो बेड नसीब नहीं होता था, और अधिकांश मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत थी जो नहीं मुहैया हो पा रही, लिहाजा कई लोगों की मौत हुई। और उसके बाद सरकार ने यह फैसला किया है कि जिस किसी भी मरीज की मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के सामने वो रिपोर्ट रखी जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी, और अगर सच पाया गया तो ऐसे तमाम परिवारों को आर्थिक रूप से दिल्ली सरकार मदद देगी। निश्चित रूप से दिल्ली सरकार ये कह रही है कि बहुत दुखद है जो जिस किसी की भी मौत हुई, अगर एक भी मौत होती है तो वो बहुत दुखद है, लेकिन ऐसे में परिवार का आश्रय अगर छिन गया है, परिवार का सहारा अगर छिन गया है, तो मदद करने की जिम्मेदारी भी दिल्ली सरकार की है। लिहाजा ये एक मदद करने की कोशिश की गई है, एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के द्वारा ये तय किया जाएगा कि कौन से इस कैटेगरी में कौन सी फैमिली आती है और उनको आर्थिक रूप से मदद दी जाएगी। शुक्रिया भास्कर पूरी जानकारी के लिए आपका। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।